कि अभी देख रहे होंगे हर कॉलेज में घुसखोर होता है, दलाल है, हम अभी भी कहते दलाल है, हम दलाल को हम बदनामी करेंगे, इसलिए कि प्रिंसिपल को या प्रोफेसर को हम बदनामी नहीं कर सकते, इसलिए कि दलाल दो चार को अंदर घुस जाता है, दो चार पांच को दलाल ऐसा रहता है अगल बगल का रहता है, घुसखोर इसलिए होता है कि सर मास्टर को बदनामी किया जाता है, मास्टर कभी नहीं घुस खाता है, समझ लीजिए, इसलिए दलाल जो आके कॉलेज में गैदरिंग करता है, देख सकते हैं एडमिशन का फीस होगा 1125, वहां लेगा 1125 रुपया सर ही लेंगे, और जो बाकी वो बचा वो अपना दलाल लेकर घर चल जाएगा। प्रिंसिपल साहब से मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब तो ये जो दलाल आप रखते दलाल न रखे, इसलिए बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो जाता है, समझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त हम मौजूद है रोसरा यूआर कॉलेज रोसरा में, एडमिशन का समय आया हुआ है और जितने भी छात्र छात्रा है यहाँ पर आकर एडमिशन करवा रहे हैं, और इन लोग से ही हम जानेंगे यहाँ पर जो एडमिशन हो रहा है इसमें सही तरीका से लीगल ढंग से सारा पैसा लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, या पैसा ज्यादा लिया जा रहा है या कम लिया जा रहा है। यहाँ के जो छात्र छात्र सब है हम इन सब से बात करेंगे और यहाँ के स्कूल के जो विधि व्यवस्था है उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जी, मेरा नाम सनी कुमार हुआ जी। आप यहाँ किस लिए आए हैं? इसलिए कि हम इनका जो कॉलेज है इनका व्यवस्था विधि में हम सब चीज में आगे रहते हैं। यहाँ जो देख सकते हैं अभी शौचालय बनवाने का जो काम किया था जी, उनके पीछे बड़ा मेरा हाथ था जी, और ये शौचालय आप दिखा सकते हैं, थोड़ा शौचालय बनवाने में हम बहुत सारे सर के लिस्ट भेजे हैं और हमारे जहाँ तक का हो वहाँ तक डिस्ट्रिक्ट तक के हमने लिस्ट भेजा हूँ, और यहाँ पानी नहीं था, पानी का व्यवस्था वो मैं नहीं करवाया मगर उसके पीछे हम थे, करवाने का मेरा मौका उद्देश्य यही था। हम आते हैं स्टूडेंट को कहीं दिक्कत ना हो, स्टूडेंट को एडमिशन हो जाए, और जो पैसा लेते हैं बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि पैसा लिया जाता है तो उसलिए हम आते हैं। देखिए, हम ये कहेंगे कि हमारे ये यूआर कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट है एडमिशन करवाए हैं जी, इनको कोई तरह के टूटी गलती न होना चाहिए जी, उनका एडमिशन सही से हो जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और एडमिशन में किसी भी तरह के अवैध तरीका से तो पैसा नहीं लिया जा रहा है? देखिए, अवैध तरीका से तो पैसा नहीं लिया जाता है। अभी हमारे प्रिंसिपल सर आए हैं, प्रवीण सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं, 31 जनवरी को आए हैं, 1 फरवरी से वो अपने ज्वाइंट किए हैं यूआर कॉलेज में, मुझे बहुत खुशी मिली जी। अब जो पहले वाले प्रिंसिपल थे उनको तो बात आप छोड़ दीजिए, जो हमारे नया प्रिंसिपल आए हैं प्रवीण सर, आप देखिए उसका कैसा काम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सर जो है प्रवीण सर अच्छा काम करेंगे जी, और स्टूडेंट को दिक्कत नहीं देंगे, एडमिशन हो जाएगा, और यहाँ पे जितना फीस सरकार की तरफ से आता है चलान आता है वो चलान तो कटाना ही पड़ेगा। बहुत सारे अफवाह ये भी फैलाया गया है कि यहाँ पे कॉलेज में बहुत सारा पैसा लिया जा रहा है। देखिए, एक वीडियो चला जो ललित सर को बदनाम किया गया है, ललित सर को बदनाम इसलिए किया गया है कि एक स्टूडेंट लड़का था, उसका कुछ डॉक्यूमेंट में गलती था जी, तो इसलिए उसका डॉक्यूमेंट घुरवाने के चक्कर में वो बोले हैं कि 50 रुपया सर आप क्यों ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देखाई में तो लग रहा है, मुझे अंदाज लग रहा है कि कोई यहाँ पे घूस नहीं ले रहा है, आप यहाँ का छात्र को लग रहा होगा घूस ले रहा है, तो छात्र बता सकते हैं आपको कि घूस ले रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं लग कभी ले सकते हैं सर जी जी, जी। और छात्र से आप पूछ सकते हैं जी, जी। आपका क्या नाम है? रोशनी कुमार। अच्छा, एडमिशन करवाने आए हैं? हाँ जी। आए तो किसी भी तरह के सर एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लेते ना? नहीं सर, जो उचित पैसा है वही लेते हैं ना? हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताएंगे? गुलाबता खाती। एडमिशन करवाने आए हैं जी? सर एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लेते? नहीं लेते हैं, जो उचित पैसा है वही लेते हैं ना जी। और यहाँ आपको सुविधा के बारे में बताएंगे, इस कॉलेज में क्या क्या सुविधा है? बहुत सी सुविधा है, कुछ बताएंगे यहाँ, जैसे कि पानी की सुविधा या ग्राउंड की सुविधा, या पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहे हैं? बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ज्यादा पैसा देता है उसका एडमिशन हो जाता है, जो गरीब फैमिली से रहता है उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, जो दूर से आता है उसका एडमिशन नहीं हो पाता, जो पास करता है उसका एडमिशन हो पाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि दूर वाला का एडमिशन होना चाहिए जी, क्योंकि दूर से आते हैं कोई किसी का भाड़ा लगा के मतलब गाड़ी से, तो उनका पेट्रोल तो लगता ही होगा, जो भी खर्चा तो लगता ही होगा, तो उनका पहले एडमिशन होना चाहिए, इससे दलाल के फेरा में स्टूडेंट न फंसे, इसलिए कि जो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा तो प्रिंसिपल के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, खास करके आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जो सोचते हैं 1100 से 1200 रुपया देंगे और दलाल के थ्रू एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद उसका एडमिशन नहीं हो पाता है? नहीं, हम ये ऐसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसलिए कि दलाल के पीछे स्टूडेंट जाता है तो स्टूडेंट भी बुड़बक है जी, स्टूडेंट इसलिए बुड़बक है, उनका पहले परिचय पूछ लेना था या क्या है, उनका पूरा इंट्रोडक्शन लेना। हाँ,
आप क्या पद पे है नहीं पद पे है पहले उसे पूछ लेना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट दलाल के पास दे देता है। दलाल तो भाई पैसा कमाई करेगा हो, नहीं कमाएगा तो रुके, दलाल का काम क्या है, आज ये कॉलेज में कल वो कॉलेज में परसों वो कॉलेज में परसों इस कॉलेज में जाएगा, वो पैसा ही मनी कमाई करेगा, कमाएगा तो यहाँ कॉलेज का बदनामी करवे करेगा। इसलिए हमारे परमिशन नया नया प्रिंसिपल आए हैं, उनको इज्जत बचावे जितने दलाल है, इसलिए कैसा हरकत आप ना करें, स्टूडेंट को जिंदगी बर्बाद ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।